फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। तो इसके लिए हम 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, 4 से 5 बड़े कटे हुए आलू लेंगे, उसे इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। एक पैन में पानी लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी में जब उबाल आएगा तो उसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है आलू, बस 2 से 3 मिनट में पका के उसे एक छलनी में निकाल लेना है। छान के उसे अच्छी तरह से धो के एक साफ और अच्छे कपड़े से साफ कर लेना है। देखिए अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसमें एक अहम टिप क्या है कि हम इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। देखिए अब फ्रिज से निकाल लिया है मैंने इसे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे, सब तरफ कॉर्नफ्लावर लग जाए। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से फास्ट गैस पे इसे तलना है। देखिए थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जिस पे अब हम इसे एक अब्सॉर्बिंग पेपर पे, टिश्यू पेपर पे या कोई भी कागज पे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए।